प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज सातवें और आखिरी चरण का मतदान जारी है। आपको बता दें कि सातवें चरण में 9 जिलों के 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। आपको बताएंगे दिन भर की 10 बड़ी खबरें। इसी में पोलिंग बूथ पर मंत्री नीलकंठ तिवारी और पुलिस के बीच झड़प का मामला सामने आया है। आदमपुर थाना अंतर्गत कोनिया प्राथमिक विद्यालय पर बनाए गए पोलिंग बूथ पर मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी के साथ पुलिस की झड़प हुई है। खबरों की माने तो बाहरी फोर्स के मंत्री को पहचानने से इनकार करने के बाद विवाद शुरू हुआ। वहीं वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा में महिला ने आरोप लगाया है। महिला ने कहा कि बूथ के अंदर महिला को समझाने के बहाने एक व्यक्ति ने उससे साइकिल का बटन दबवा दिया। इस घटना के बाद बूथ पर जमकर बवाल कटा। सुनिए महिला ने क्या कहा। बिल्कुल बिल्कुल, बटन किस पे दबा है? साइकिल। आपका इच्छा था उसमें दबाने का? नहीं, हमारा वो अपने मन से दबा दिया। एकदम आपका अधिकार है, कोई नहीं ले सकता। ये कितना भी पुलिस वाला है ना, ये लोग साथ में थे क्या? नहीं, ठीक है, लेकिन आप बोलिए सर, इनके बदले वो बटन दबा सकते हैं? हमें बिल्कुल आदेश नहीं है कि हम पोलिंग बूथ के अंदर चले जाएं। वो कैसे गए अंदर दबाए? यूक्रेन से MBBS की स्टूडेंट कृतिका अपने शहर वाराणसी लौटी है, जहां उन्होंने भारतीय नागरिक होने के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मतदान करने पोलिंग बूथ पर पहुंची। मतदान देने के बाद उपस्थित मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार और यूक्रेन के हालात परिस्थितियों पर बात की। सातवें और आखिरी चरण के मतदान को लेकर सीएम योगी ने मतदाताओं से खास अपील की है। साथ ही उन्होंने अपील करते हुए जनता से चढ़ बढ़कर मतदान के इस महापर्व में हिस्सा लेने की गुजारिश की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज अंतिम चरण है, सातवें चरण का चुनाव। तिथि 7 मार्च और प्रातः 7 बजे से प्रारंभ हुआ है। मतदाताओं में भारी उत्साह है, खास तौर पर माताओं बहनों के बीच मन में चुनाव को लेकर के सरकार की सुरक्षा और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अत्यंत अभिनंदनीय है। 9 जनपदों के जिन 54 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, मेरी सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। या न केवल उनका अधिकार है बल्कि या उन्हें उनके संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी आग्रही बनाता है। मेरी अपील है सभी मतदाता भाइयों बहनों से कि सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए प्रदेश के अंदर हम भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दी गई व्यवस्था के अंतर्गत अधिक से अधिक संख्या में जाएं और हर वयस्क मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आपका एक मत प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। सभी मतदाता भाइयों को मैं सातवें चरण के मतदान के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और मतदान के लिए। गाजीपुर में आदर्श बूथ केंद्रों पर लोगों की भीड़ दिखी। लोग बढ़ चढ़कर मतदान के इस महापर्व में हिस्सा लिया। लोगों ने कहा कि विकास के लिए वे मतदान कर रहे हैं, पहले मतदान फिर जलपान की तर्ज पर लोगों में उत्साह दिखा।
वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में भी मतदाताओं में गजब का जोश दिखा। हर उम्र के लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। वाराणसी क्राइम ब्रांच की सर्विलांस विंग के प्रभारी इंस्पेक्टर अंजनी कुमार पांडे और सब इंस्पेक्टर राजकुमार पांडे सहित पुलिस टीम मतदान केंद्रों में पुलिस प्रबंध और शांति व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। चंदौली में लंबी कतारों में मतदाताओं ने अपनी बारी का इंतजार किया। मतदान के लिए हर वर्ग के लोगों में जोश दिखा। यूपी में अपने पसंद की सरकार चुनने के लिए लोगों ने वोट का दम दिखाया। काशी में अद्भुत तस्वीरें सामने आई है। जी हां, लोकतंत्र के इस महापर्व में बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। वाराणसी ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत बूथ पर अपना वोट डालने पहुंची बुजुर्ग महिलाओं की सहायता सुरक्षा कर्मियों ने की है और उनकी काफी प्रेरणादायक तस्वीरें सामने आ रही है। जौनपुर से जेडीयू के प्रत्याशी धनंजय सिंह ने भी मतदान किया। कड़ी सुरक्षा के बीच वे मतदान केंद्र पहुंचे। तो ये थी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 सातवें चरण की दिन भर की 10 प्रमुख खबरें। दूसरी खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए प्रभात खबर यूपी के साथ। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।